नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा में आज मैं पहुंचा हूं और आपको दिखाते हैं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और आने वाले 2022 चुनाव को लेकर के जनता का मूड। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि इनसे जानते हैं कि क्या है मुद्दा इनका। जी, 2022 चुनाव है जी, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार क्या है और क्या है, क्या लगता है आपको कि 2022 चुनाव जो है फिर एक बार भाजपा के पाले में आए? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात करिए तो राजनीति से तो हम बहुत विशेष मतलब नहीं रखते हैं। लोगों कमाना है, खाना है, यही सब बात है। और दूसरी चीज़ ये है, महंगाई तो वास्तविकतम बढ़ी है, कोई कहने वाली बात नहीं है। और कर रहे हैं कंट्रोल, लेकिन धीरे धीरे अभी कर नहीं पा रहे हैं उतना हिसाब से करें। क्या लग रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस जी का लोकार्पण हुआ है जी ने लोकार्पण किया है जी, तो क्या इसका लाभ कुछ मिलेगा? अब लाभ जनता को यही मिलेगा कि जैसे जाने वाले जो लोग हैं वो जहाँ जाना है जल्दी पहुँच जाएंगे थोड़ा, और वैसे कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि इतना उससे दूर जो बता रहे हैं रोजगार देंगे, रोजगार तो हमको नहीं लगता है कि उस पर कोई दुकान लगा पाएगा। कहीं है आपको लग रहा है तो आप देख सकते हैं, देखिए कि जिस तरीके लोकार्पण किया है उसके लिए, उसके बाद ये बेरोजगारी के लिए बात कही गई है, तो बेरोजगारी जहां तक ये लग रही है कि बेरोजगारी अगर एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो एक्सप्रेसवे पे कहां दुकानदार किस जगह दुकान लगाएंगे। और हमारे साथ कुछ भाई और हैं, आइए इनसे भी जानते हैं क्या है फूड जी। जी सर बताइए, महंगाई को लेकर के क्या है? महंगाई सर देखिए, जैसे हमारे घर में ही अचानक से, काफ़ी दिन से पुराना घर हो और अचानक से हमें उसे संभालना हो, एक एक स्टेप बाय स्टेप बनाना हो, तो उसमें कुछ समय लगता है। उसको समय लगने में कभी हम सलाद के साथ रोटी खाते हैं और कभी हमें दाल रोटी ही खाना पड़ता है। अगर हम घर को सजाएंगे, उसको फिर से समेटेंगे तो हमको दाल रोटी खानी पड़ेगी, उसमें दाल थोड़ी महंगी भी चलेगी। तो इसलिए काफ़ी दिन से जो हमारे देश में कर्ज हो चुका था, कई प्रकार की समस्याएं आ चुकी थी, उनको समाप्त करने के लिए बीजेपी ने काम किया है, उसके लिए महंगाई भी स्वाभाविक है। 2022 चुनाव को लेकर के जी क्या मूड है? नहीं, बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के आने से हम ब्राह्मण हैं, हमारा अपना खुद का जो अनुभव है कि हम लोग सर उठा के चल रहे हैं। ऐसा होता कि हम लोगों का पूरा समापन हो चुका था, सनातन धर्म जो है वो गर्त में जा रहा था जी। तो इस तरीके हमारे साथ में एक वकील साहब हैं, आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं कि 2022 चुनाव को लेकर के क्या मूड है आपका और महंगाई को लेकर के क्या? 2022 में वर्तमान सरकार से पूरी तरह से जनता ऊब चुकी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और महंगाई इतने चरम पर है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का आम नागरिक, आम नौजवान, आम किसान, आम व्यक्ति इस महंगाई से त्रस्त है और इस त्रस्त होने के नाते इस सरकार को बदलना चाहता है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। आने वाले समय में निश्चित रूप से परिवर्तन निश्चित है और भ्रष्टाचार कम से कम 10 गुने से 20 गुने तक बढ़ गया है। आम आदमी को अगर किसी भी पटल पर कोई कार्य लेना पड़ता है तो स्थिति यह है कि उसे एक ही पटल पर जाने के लिए सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं और सैकड़ों चक्कर लगाने के बावजूद भी जनता का काम नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार, रुपया घूस लेने के बाद भी अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। तो देख सकते हैं आप कि बीकापुर विधानसभा में
कुल मिला के अगर देखा जाए तो दो के दोनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और बीजेपी भी आगे के लिए राह तैयार कर रही है और सपा के लोग भी यहाँ तैयार हैं। तो हमारे साथ एक वकील साहब और खड़े हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ जनता है हमारे साथ, जनता है, हम इनसे जानते हैं क्या मूड है आपका, क्या चीज हुई महंगाई को लेकर के, चुनाव को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या कहना है आपको? महंगाई तो ठीक है, भ्रष्टाचार के बारे में हमको नहीं पता, क्योंकि हमको सरकारी काम कोई पड़ता नहीं है, हम कहीं जाते नहीं हैं। तो ये है कि बच्चे के लिए पेपर के जो क्या फार्म जो भरा जाता है उसमें 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा, उस 150 रुपया ले रहे, ले तो आप देख सकते हैं कि सरकारी कारनामों पर भी किस तरीके का खेल खेला जा रहा है। 2022 चुनाव जिस तरीके नज़दीक आ रहा है उस तरीके जनता अपना मूड बना चुकी है। आइए हम जानते हैं एक बार फिर कि क्या है इनका मूड। भैया परिवर्तन तो निश्चित लग रहा है, 100 का स्टाम्प आप चले जाइए कचहरी, 150 से कम में नहीं आ, खुलेआम कहते हैं भाई दो ही चार लोगों को मिला है लाइसेंस, 150 में लेना हो लीजिए, कोई भी काम आप जाइए, चाहे जिस कचहरी में जाइए चाहे आप पुलिस विभाग में जाइए, कहते हैं सरकार बदल गई है, धन ज़्यादा लगेगा काम कराना हो तो। एक तरफ योगी सरकार, मोदी सरकार गरीबों के लिए अन्न योजना तैयार किया, गरीब कल्याण योजना तैयार किया, और आवास के लिए दिया है और शौचालय दिया है, तो क्या लगता है आपको कि 2022 फिर एक बार भाजपा के लिए होगा? देखिए भाई सही है, धान अनाज तो लोगों को मिल रहा है सही है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि मजदूर ख़त्म हो जा रहे हैं, आप धान कटाना हो चले जाइए लेबर नहीं मिल रहे हैं, मांगे बढ़ लोगों के धान डूब गए, किसी को एक पैसा नहीं मिला, ज़्यादातर धान आप देखिए लोगों किसानों के कटबे नहीं किए, सब डूब गए सड़ गए, क्या मिला किसानों को? तमाम जो अच्छे किसान थे जो खेती करते थे नकदी वाला ये सब्जी वगैरह का, उनका भी बेचारे के सब खत्म हो गया, उनको क्या मिला? तो मुझे तो नहीं लगता भाई कहीं इस प्रकार से कोई लाभ किसी को मिल रहा है। 15 प्लेट महंगाई हुई। हाँ बिल्कुल महंगाई, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि महंगाई मुद्दा जो है वो बीकापुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा रहेगा। मैं पहुंचा हूं बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के एक चाय के दुकान पर, यहां पे कुछ लोग हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं कि महंगाई मुद्दा, भ्रष्टाचार और 2022 चुनाव को लेकर के कितनी तैयारी है इनके पास। बिल्कुल, तो कुछ लोग हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या रहेगा इनका जी, क्या मूड रहेगा आपका 2022 चुनाव पर। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है, क्योंकि जनता परेशान है जानवरों से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अच्छा, हाँ, तो इसलिए समाजवादी की सरकार बन रही है। गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार योगी सरकार ने आवास दिया, गैस चूल्हा दिया, शौचालय दिया, तो क्या लगता किसको है? दिया हमें नहीं लगता कहाँ किसको मिला, कागज़ में मिला है लोगों को, सच में किसी को नहीं मिला है, कागज़ में खाली मिला है, कागज़ में सरकार दिखा रही है, खुद पैसा खा रही है, अपने हड़प के रख ले रही है। तो क्या लगता है आपको 2022 में फिर? 2022 में योगी जाएंगे और सपा सरकार बनेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिली जुली बातें अभी निकल कर सामने आ रही हैं। अपने साथ में दुकानदार हैं, दुकानदार भाई को पूछते हैं क्या रहेगा इनका मूड जी, आप दुकान चला रहे हैं जी, क्या लगता है आपको कि महंगाई किस तरीके है? महंगाई तो बहुत हिस्सा है जी। हाँ महंगाई देखो, तेल कितना महंगा हो गया, सब चीज़ तो महंगा होगा, सब महंगा है, जानवर और सब देहात में परेशान कर रहे हैं खूब, रातों दिन जागना पड़ता है। अच्छा, हाँ जानवर भी सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा परेशान है दुकानदारियों से, ज़्यादा परेशान क्या जानवर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी इनको जानवरों से भी है, कि जो कि किसानों की फसल सबसे ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं इस टाइम। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि 2022 के लिए क्या तैयारी है इनकी जी। मैम 2022 चुनाव है जी, जहाँ एक तरफ बेरोजगारी भी है जी और महंगाई भी है, तो इस पर क्या कहना है आपको? बस यही भैया कि क्या कहते हैं, सरकार कोई भी हो महंगाई कम होनी चाहिए, लेडीज तो सबसे ज़्यादा परेशान है अपने रसोई से, रसोई में उनका घी तेल उनकी चीनी सब चीज़ महंगा हो गया, दाल गरीबों की बस की बात नहीं है, इंसान खाएगा क्या, खाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे,
तो इसी साथ रसोई का गैस सब मतलब हर चीज़ महंगा है। इंसान को कहीं जाना हो तो सोचना पड़ता है, पेट्रोल इतना महंगा है, तो इसी वजह से सरकार कोई भी हो बस आप महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई जी, तो आप खुद सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे महंगाई का दिख रहा है। हमारे साथ में हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा आपकी बार चुनाव का। महंगाई हटाओ और क्या मुद्दा रहेगा, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ जी। तो बिल्कुल महंगाई सबसे ज़्यादा है, हमारे साथ में है। क्या 2022 चुनाव है तो अब की बार क्या मूड बना करके जनता बटन दबाएगी? मैं सिर्फ अखिलेश को जिताना है बस, अखिलेश को जिताना है। तो ये लग रहा है कि कहीं महंगाई जो है वो आगे की रणनीति जो है वो बदल ना दे। अयोध्या से राघवेंद्र मिश्रा, प्राइम न्यूज। देखिए आज हम फतेहपुर जिले के विकास खंड अमौली के नयापुरवा गांव में आए हुए हैं, जहां पर आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के हम यहां के लोगों से ये जानेंगे कि इनका आखिर मूड क्या है, महंगाई क्यों बढ़ी, और 2022 में होने वाले चुनाव के बाद यूपी का मुखिया कौन होगा। तो हम इन ग्रामीण लोगों से जानेंगे कि इनकी क्या मानसिकता है, किसको ये मतदान करेंगे, किसको ये वोट देंगे, और अभी तक जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार है, उस पे इनको कितना फ़ायदा मिला है। तो आइए चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनकी मनसा क्या है। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं ये बताएं आप। मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं नयापुरवा का रहने वाला हूँ। नयापुरवा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के अमौली ब्लॉक में पड़ता है, नायचा मौजे में। आज आप युवा हैं और युवा होने के साथ में जो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कि चुनाव आएंगे और जाएंगे, तो चुनाव से हमारा कोई फ़ायदा या मुनाफा नहीं है, लेकिन जहाँ मुद्दे वाली बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। आज सरकार जिस हिसाब से कार्य कर रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार युवाओं को, किसानों को और ख़ासकर गरीबों को बिल्कुल पीछे छोड़ चुकी है। सरकार अपना पूरा ध्यान कॉरपोरेट सेक्टर में लगा रही है, जिसकी वजह से गरीबों को और युवाओं को बड़ा नुकसान हो रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जिससे पलायन की ओर अग्रसर हो रहा है युवा। आपने एक बात कही कि सरकार पूरी तरीके से कॉरपोरेट घराने को महत्व दे रही है, और युवाओं के लिए, जो युवाओं के सामने जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे युवाओं के सामने क्या रास्ता निकलता है कि वो कैसे अपने जीविकोपार्जन करेंगे, ये भी बताएं आप। इस बात बेरोजगारी की ही सिर्फ नहीं है, बात है कि आप ना तो उनके लिए जो है नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं, ना तो कोई कंपनी है कि अब यूपी है, आप यूपी में कहीं भी रोजगार का क्षेत्र पर जो है तो साधन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। यहाँ पर ना तो आप कोई ऐसी कंपनी डाल पा रहे हैं कि जिसमें जो है तो चीज़ ये कि आपने शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट करके रख दिया। आपके सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पर टीचर आते हैं तो वहाँ पर पढ़ाते ही नहीं हैं। हमारे स्कूल, हमारे गांव का सरकारी स्कूल है, वहाँ पर टीचर आते हैं, हम आते जाते देखते हैं कि वो लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं, बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते, कोई बच्चा इधर भाग रहा है, कोई बच्चा उधर भाग रहा है। आप के यहाँ, आपके राज्य में दिल्ली से जो शिक्षा मंत्री आता है दिल्ली का, वहाँ पर उसको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता है कि वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देख ले। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपने जो है तो शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं,
दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है वहाँ पर देखा जाए सरकारी स्कूलों को जो है मॉडल स्कूल बना दिया गया है और यहाँ पे सरकारी स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं ख़त्म की जा रही है। केवल बच्चों को मिड डे मील देने से केवल शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और जब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिलेगी तब तक इस देश में जो है तो बच्चे विकास कैसे करेंगे। अतुल जी एक चीज़ इस जगह हम और जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि यहाँ शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलता था क्या वो सही था? देखिए बात ये है कि इस समय सत्ता में आप हैं तो सवाल हम आपसे करेंगे, पिछली सरकार ने क्या किया ये पिछली सरकार के साथ निकल गया। अगर पिछली सरकार ने कुछ अच्छा किया होता तो आपको आने की जरूरत ही नहीं थी यूपी में या देश में। भाई अगर पिछली सरकार ने अच्छा काम किया होता तो पिछली सरकार अभी भी सत्ता में होती। तो अभी आप क्या मानते हैं कि क्या ये फिर से 2022 में ये फिर आएंगे? ये जी हमें तो उम्मीद नहीं है कि योगी सरकार दोबारा आएगी और आनी भी नहीं चाहिए जिस हिसाब से ये लोग कार्य कर रहे हैं। ये बताएं ये 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो सरगर्मियां बढ़ रही हैं, नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, तो उसको किस नजरिए से आप देखते हैं और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुखिया ये बताएं आप मुझे। देखो उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी ही बनेंगे क्योंकि मोदी को सब लोग देख रहे हैं, मोदी के हिसाब से योगी ही बनेंगे। आपने कहा योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुखिया बनेंगे, पर इस समय जो महंगाई का दौर चल रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन जितना सुविधा दिया है उतना वो कहाँ से लाएगा, कहीं से तो निकालेगा ही। तो आपके हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है जो प्रगति हो रही है उसका जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं से निकालेगा, तो हाँ। कहीं से निकालने का मतलब क्या है, किससे निकालेगा? देखो पहली बात तो गैस दिया गरीब आदमी ले नहीं पाता, अभी कह दे फ्री को दिया फ्री को नहीं दिया, धीरे धीरे करके निकाले तो गरीब आदमी को मालूम नहीं पड़ेगा। संडास रूम दिया है तो कोई बनवा ना पाता गरीब आदमी, उसको भी धीरे धीरे करके वो निकालेगा। अब कह दे कि फ्री को दे दिया फ्री को नहीं दिया, पैसा लेगा लेकिन धीरे धीरे करके लेगा। हम लोग को यही मालूम नहीं पड़ेगा कि एक संडास रूम का पैसा ले रहा है कि गैस का पैसा ले रहा है, ऐसे निकालेगा नहीं तो संडास रूम ना गैस ये गरीब आदमी नहीं ले पाता। रही बात अगली सरकार, उसने बढ़िया काम किया है लेकिन कुछ किसानों के लिए चोरी किया है, 2 घंटा 4 घंटा बिजली देते रहे, आज देखो 17-18 घंटा बिजली आती है तो किसान क्यों ना खुश हो। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको मतदान करेंगे, कौन उत्तर प्रदेश का मुखिया बनेगा, इन सारी चीज़ों पर आप बताएं। मुखिया जो इस समय है वही मुखिया रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी यही बात है, यही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर विकास उन्होंने इतना कर रहे हैं जो गरीबों के लिए कर रहे हैं शायद पिछली सरकार ने कोई नहीं किया है, और जो नरेंद्र मोदी किया जो 70 साल से जो कोई नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश विदेशों से आना जाना इतना आयात निर्यात किया, ये दुनिया भर का वायु सेना जितनी कितनी रक्षा किया, बहुत बड़े बड़े औजार ले आए सामान ले आए वहाँ से विदेशों से, जो 70 सालों में नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और जो यहाँ पर जितनी सरकारें रही जो योगी जी ने किया किसी सरकार ने नहीं किया है। क्या ऐसे नहीं लगता कि जैसे कि समाजवादी पार्टी का धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी आ सकती है या नहीं आ सकती है? समाजवादी पार्टी तो नहीं आ सकती है, बस पार्टी कोई भी ना आए, बहुमत नहीं मिलेगा किसी को भी, अगर यदि आते हैं और सरकार बनाएंगे योगी जी, ये भी बता रहे हैं आपसे। ये चीज और बताएं आप मुझे कि ये जो महंगाई बढ़ी पेट्रोलियम पदार्थ से लेकर के छोटे से छोटे खाद्य पदार्थों तक में जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो पेट्रोल जो है तो गवर्नमेंट थोड़ी बना रही है, तो बाहर से आ रहा है पेट्रोल, अब जैसे यहाँ कोई सामान बढ़ा तो गवर्नमेंट कहाँ से निकालेगी तो हमें तुम्हें से निकालेगी, किसी चीज़ इससे बढ़ाएगी, अगर हमें इसमें फायदा मिल रहा है इधर तो उधर तो हमें से तो निकालेगी गवर्नमेंट, अपने घर से थोड़ी ला रही है कोई भी सामान, अपने घर से गवर्नमेंट नहीं ला रही है, तेल आ रहा है बाहर से तो गवर्नमेंट तो बेचेगी ना, इधर जब इधर से निकालेगी उधर से लेगी। तो आपके हिसाब से जो महंगाई का दौर चल रहा है ये जायज़ है? और ये बताएं कि
सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ाई तो जब गल्ला दिन है, संदास रूम दिन है, कॉलोनी दिन है, तब वो जो इधर दिन है तो उधर ले निकाल दिए तेल से भाव बढ़ा के। अब ये बताएं कि जो पहले की सरकारें थी, क्या उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया था? अच्छा कार्य किया, अपने हिसाब से अच्छा कार्य किया। आप सरकार जो कर रही है वो भी अपने हिसाब से अच्छा कार्य कर रही है। तो इस समय जो महंगाई, जैसे खाद्य पदार्थ या पेट्रोलियम पदार्थों में जो मूल्य वृद्धि हुई है, उसको कैसे, कि आपके पास व्हीकल है, अब भी आप गाड़ी चलाते हैं, ये बताएं आप मुझे। गाड़ी तो नहीं चलाते, साइकिल चलाते। तो एक साइकिल तो किसी पार्टी का चिन्ह था, तो हाँ। क्या आपकी मानसिकता छपा समाजवादी पार्टी को वोट देने की है? नहीं, वोट तो नरेंद्र मोदी दे दे, योगी। तो आपकी नज़र में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हाँ। तो उसमें अगला मुखिया कौन होगा जाकर? हमका काम वालों हम कौन लेखा जोखा के मुखिया कौन जाकर वोट ज़्यादा पा जाए वह मुखिया बन जाए। देसराज जी, ये बताएं कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा, और क्या अभी तक महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो बीमारी के हिसाब से बढ़ी हुई है, और इसके बाद अभी तो सरकार के चांस योगी के ही हैं, आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो। आपने कहा कि आने वाली सरकार योगी की ही सरकार होगी, तो आखिरकार उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? कौन से ऐसे उन्होंने, योगी जी ने ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जिससे कि आप लोग कह रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी? भाई जैसे गैस चूल्हा फ्री दिया, खाद टाइम से आ रही, बिजली आ रही है टाइम से, बहुत ऐसे कार्य किए विकास के कि गरीब आदमी खुश है इस सरकार से गरीब आदमी खुश है। अच्छा, तो ये आप बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि चूल्हे दिए हैं, गैस दिया है, गैस देने के बाद क्या आपको लगता है कि उन जो गैस चूल्हे जो दिए गए हैं उनको क्या दोबारा जनता भरवा पा रही है महंगाई के दौर में? महंगाई तो महामारी के हिसाब से बढ़ी है, आप जब सरकार की व्यवस्था कमजोर पड़ेगी तो सबको तो उसका भरता। तो आपने देखा कि फतेहपुर जिले के नयापुरवा गांव में जो ग्रामीणों की ग्राउंड रिपोर्ट है उस पे कुछ लोगों ने तो बीजेपी सरकार के कार्यों को अच्छा बताया, और वहीं एक युवा वर्ग ने बीजेपी की सरकारों द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति एक गहरी नाराजगी जताई कि आखिरकार कारपोरेट घराने को जो मान्यता दी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों पे कोई विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, विद्यालय में आने वाले अधिकारियों को विद्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा, इसके बाद शिक्षा के प्रति पूरी तरीके से लापरवाही जो दिखाई पड़ रही है, और दूसरी तरफ इसी गांव के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया है, अच्छा कार्य कर रही है, 2022 में पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। तो अब ये भविष्य ही बताएगा, 2022 में चुनाव होने के बाद ही ये सारा निर्णय सामने आएगा, सारी तस्वीर सामने आएगी कि आखिरकार कौन होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव के बाद मुखिया। कैमरामैन नीरज के साथ अमरदीप त्रिपाठी, प्राइम टीवी फतेहपुर। तो आपने जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं, और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241।